अस्सलामुअलैकुम। हमारा मार्केटिंग का तीसरा चैप्टर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें मार्केटिंग फंक्शन, देयर आर एट यूनिवर्सल फंक्शन दैट आर परफॉर्म इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो एट फंक्शन हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग एंड फाइनली रिस्क। फर्स्ट आ गया बाइंग। बाइंग इट इज़ अ फंक्शन दैट इंश्योर दैट प्रोडक्ट ऑफरिंग आर अवेलेबल इन सफिशेंट क्वान्टिटी टू मीट कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, मतलब जो कस्टमर ने डिमांड की होती है, प्रोडक्ट की ऑफरिंग उसी सफिशेंट क्वान्टिटी के साथ हो, कस्टमर की डिमांड जो है बिल्कुल उस प्रोडक्ट पर पूरी हो रही हों। सेलिंग द फंक्शन टू बी परफॉर्म टू सेल द प्रोडक्ट सर्विस आइडिया टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड और वांट्स ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू मैच गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर नीड। जो कस्टमर की नीड्स हैं, वांट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स सेल की जा रही है, कस्टमर उसके बदले में फीडबैक दे रहा है, उसको मनी दे रहा है, इसीलिए जो सेलिंग में प्रोडक्ट होगी वो भी सेम उसकी डिमांड के मुताबिक ही होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग, अगर हमारे पास प्रोडक्ट एक एवरेज प्राइस में मौजूद है और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने तक के लिए हमारे पास अगर कन्वीनियंट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी, तो हमारे प्रोडक्ट, हमें बिज़नेस में लॉस हो गया। इसलिए ट्रांसपोर्टिंग हमारी प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टोरिंग, जब प्रोडक्ट हमारे पास एक एवरेज क्वान्टिटी में मौजूद होती है तो हमें उसे वेयर हाउसेज में स्टोर करना पड़ता है, इन फ्यूचर वो सेल हो सकती है। स्टैंडिंग एंड ग्रेडिंग, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को, किसी भी आइडिया को एक ब्रांड का नाम देना, एक क्वालिटी का नाम देना जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाएं, उसको स्टैंडिंग एंड ग्रेडिंग कहा जाता है। फाइनेंसिंग, किसी भी बिजनेस में अपना फाइनेंस लगाना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाना ताकि बिजनेस हमारा ग्रो कर सके, आगे बिगन हो, इसको फाइनेंसिंग कहते हैं। रिस्क टेकिंग, मार्केटर हमेशा रिस्क लेता है, अगर वो रिस्क ना ले तो उसका बिजनेस लो से लो होता चला जाता है, अगर रिस्क ले ले तो वो अपनी हाई अमाउंट के बिजनेस पर शो होता जाता है। बिजनेस जो है मार्केटर, अगर उसकी सेल जो है वो हाई हो जाए तो वो सेफ हो जाता है, मगर उसकी अगर प्रोडक्ट की सेल लोगों को सेटिस्फाई ना करे और वो ना हो तो वो नीचे से नीचे आता जाता है। अगर प्रोडक्ट उसकी हाई अमाउंट में सेल हो गई तो वो सेफ हो गया, अगर उसको लॉस हो गया तो उसने रिस्क ले लिया। सिक्योरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कस्टमर के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, इंफॉर्मेशन और चैनल्स मेंबर्स के लिए, इसमें होलसेलर आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं जो कि मार्केटर के डिसीजन को इन्फॉर्म करते हैं, मतलब मार्केटर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, कस्टमर की नीड्स कैसी हैं, कस्टमर की वांट्स कैसी हैं, वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होता है, उसको कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे हमारी जो गुड है उसकी अवेयरनेस हो सकते हैं, और वो किस अवेलेबिलिटी से वो रिक्वायर करता है हमारी प्रोडक्ट को, किस तरह वो परचेज करता है, ये सारी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है इसको सिक्योर करना पड़ता है, मार्केटर को देखना पड़ता है कि जो हमारा कस्टमर है वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट आ गया मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू इज की। मार्केट मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है जो कि मार्केट के टारगेट को चूज़ करती है, बिल्डिंग को प्रॉफिटेबल देती है, रिलेशनशिप क्रिएट करती है किसके दरमियान, सेलर के और किसके दरमियान, कस्टमर के, जो चीज़ सेल करता है कस्टमर करता है, इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन बनाती है ताकि ये दोनों एक दूसरे, वो सेल से, वो उसकी मनी से सेटिस्फाई हो जाए, वो उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाए। डिमांड मैनेजमेंट इन रियल होती है मार्केट मैनेजमेंट ही है। डिमांड मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें जो कस्टमर की डिमांड है वो इंक्रीज होती जाती है, एज़ वेल एज़ चेंजिंग इवन रिड्यूसिंग डिमांड, मतलब कि उसकी जो डिमांड है वो आगे ऊपर और बढ़ती जाती है, और जो हमारा प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है ताकि उसकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट मार्केटिंग फंक्शन में हमारे पास आ जाता है CRM। CRM में सिर्फ यही होता है कि प्रोडक्ट के
जो अवेयरनेस है उसकी, जो एडवर्टाइजिंग है वो हो जाए, उससे हम उसका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसकी प्रोडक्ट जो है सिक्योर हो जाए, उसको रिस्क ना उठाना पड़े, वो सेफ़ हो जाए। इसके बेसिक गोल्स हैं, इसके बेसिक गोल में आ जाता है प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर है उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, मेक कॉल सेंटर मोर एफिशिएंट, मतलब कि उसकी जो जो कॉल सेंटर है उसको एफिशिएंट रखना चाहिए, ताकि अगर किसी भी कस्टमर को मसला हो तो वो उधर डिस्कस कर सके, कंप्लेन कर सके। हेल्प सेल्स स्टाफ क्लोज डील फास्टर, जो सेल्स स्टाफ की हेल्प होगी वो जो डील फास्टर है इनके साथ क्लोज हो जाए, उसके साथ क्लीक हो जाए, ताकि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। सिंप्लीफाई मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोसेस, जो मार्केटिंग के सेल्स प्रोसेस हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकें। नेक्स्ट बेसिक गोल ऑफ CRM आगे हैं डिस्कवर न्यू कस्टमर, इनेबल कंपनीज टू प्रोवाइड एक्सलेंट रियल टाइम कस्टमर सर्विस बाय डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद ईच वैल्यू कस्टमर थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कस्टमर एट्रीब्यूट कंपनीज एंड कस्टमाइज मार्केटिंग ऑफरिंग का सर्विस प्रोग्राम मैसेज एंड मीडिया रिड्यूस द रेट ऑफ कस्टमर डिफेक्शंस इंक्रीज द लॉन्गविटी ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप इन्हेंस द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच कस्टमर थ्रू शेयर एंड वैलेट। द बेसिक गोल ऑफ CRM, ये गोल है CRM के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो कस्टमर है वो प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके, किसको, जो कि चीज़ों को सेल करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, उसको क्या करे, उसके साथ प्रॉफिट शेयर करे, उसको प्रॉफिट हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेस्ड, जो कस्टमर की रिलेशनशिप हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड करती हैं, मार्केटिंग सेल्स सपोर्ट ऑर्डर। अब मार्केटिंग में क्या आ जाता है, रन कैंपेन, उसके बाद जनरेट लीड फ्रॉम अ डेटाबेस। सेल्स में आ जाता है असाइन लीड, क्वालिफाई लीड, कन्वर्ट लीड एंड टेक अपॉर्चुनिटीज़। सपोर्ट में आ जाता है मैनेज केसेस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग, प्रोवाइड सर्विसेज, डिवेलप नॉलेज बेस। ऑर्डर्स में आ जाता है डिलीवर प्रोडक्ट, प्रोड्यूस इनवॉइसेस। बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर का रिलेशनशिप को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट, अगर उसको उसकी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट मिलेगी तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि इस कंपनी से, इस प्लेस से, इस मार्केटिंग से मुझे अच्छी मेरी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट मिली है, तो मैं इसको फीडबैक में मनी दूँ, इसको प्रॉफिट दूँ, इसका लॉस ना करवाऊँ, इसके जो बिज़नेस है इसको सेव कर लिया जाए, इसको रिस्क में ना डाला जाए।